भारतवर्ष की एकता अखंडता, आपसी भाईचारा और हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारतवर्ष एक विविधताओं वाला देश है जहां विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं और सारे लोगों को सारी संस्कृतियों को बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखने वाला भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे इस सम्मानित मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्राट अशोक क्लब और हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके निर्देशन में यह सम्राट अशोक क्लब चल रहा है। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ आपका सम्मान करते हुए सम्राट अशोक क्लब के जो पूरा महोत्सव जो देख रहे हैं, जिनके प्रबंधन में संचालित हो रहा है, ऐसे गंभीर हमारे महाप्रबंधक सत्यनारायण मौर्य जी का स्वागत करता हूं। और हमारे इस मंच पर हमारे आज जो अतिथि के रूप में सतवीर सिंह सैनी सर जो बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान। आपको बताऊं, ये पूरा जो महोत्सव है आप सबके एक एक पाई के सहयोग से हो रहा है। ये पूरा कार्यकर्ता जो ये लाल ड्रेस में देख रहे हैं, जब पूरा जमाना ठंडे में सो रहा था तो गांव गांव की गलियों गलियों घूम करके इस महोत्सव को संपन्न करने के लिए सहयोग राशि इकट्ठा कर रहे थे। और मैं उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों के प्रयास से ये महोत्सव यहां तक पहुंचा है। और इस सारे सहयोगियों में किसने कुछ सहयोग किया, किसने कुछ सहयोग किया, इन सारे सहयोग के बावजूद हमारे मंच पर जो सतवीर सिंह सैनी जो बैठे हुए हैं, आप लोगों ने एक इंडो फार्म ट्रैक्टर का नाम सुना होगा। इंडो फार्म, आज से आपको गौरव होना चाहिए कि इंडो फार्म ट्रैक्टर के मालिक आप ही बैठे हुए हैं। इनके छोटे भाई हैं जो कार पूरा ट्रैक्टर का पूरा देखते हैं, पूरी कंपनी। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा किया, किया ही नहीं दिया भी, इस पूरे महोत्सव को देखकर इतना प्रभावित हुए हैं, इतना प्रभावित हुए हैं कि सम्राट अशोक क्लब के इस महोत्सव को संपन्न करने के उन्होंने 1,00,000 रुपए का डोनेशन दिया। एक जोरदार ताली। और ये डोनेशन आपके द्वारा आया है, लेकिन आया है जिनके अकाउंट से, वो जो कंपनी देखते हैं उनका नाम है रणवीर सिंह खंडेलवालिया, छोटे भाई। मैंने पूछा कि आप खंडेलवालिया क्यों लिखते हैं, उन्होंने कहा लोगों को भ्रम है कि मारवाड़ी ही बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने भ्रम को ही मिटा दिया कि खंडेलवालिया बिजनेस कर सकते हैं, तो नाम ही खंडेलवालिया। उन्हीं के बड़े भाई आप सतवीर सिंह सैनी सर हैं, जो एडिशनल कमिश्नर हरियाणा में यमुनानगर में रह चुके हैं। बहुत बड़ा सहयोग इस संगठन को मिलता है, फिर भी मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली आपको उस हरियाणा की। अभी तो अंगड़ाई है, आपका अगर ऐसे ही जज्बा चलता रहा, आप मेहनत करते रहे, अपनी योग्यता से सिद्ध करते रहे, तो सतवीर सिंह सैनी जैसे हजारों झोलियां खुलने वाली हैं आपके, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि सम्राट अशोक के निर्णय में त्रुटियां हो सकती होंगी, लेकिन इनके नियत में कोई त्रुटि नहीं, इनके नियत में कोई त्रुटि नहीं है।
और जो सम्राट अशोक को आपको मजाक समझने की कोशिश करेगा वो आने वाले भविष्य में मजाक का पात्र बन जाएगा। सबका नमन करते हुए आज हमारे मंच पर संजय प्रसाद जी जो एनटीपीसी में इंजीनियर है, जो भारतवर्ष को ये सम्राट अशोक को एक मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपका सादर नमन करता हूँ। और हमारे बीच जो भिक्षु परम पूज्य भिक्षु जापान से जो आए हैं, आपने सुनी उनकी वाणी, गोडाउन यहाँ है जापान में, सैंपल देख ले जापान में कैसा सैंपल जापान का है। और इस परम पूज्य भिक्षु जो बैठे हैं तारा सावा जी, इनके खासियत है इतनी भाषा जानते हैं ये कि जिस देश में जाते हैं उस देश की भाषा में बोलते हैं, जिस देश में जाते हैं उस देश की भाषा बोलते हैं। अभी हम साथ में आ रहे थे तो इनका ड्राइवर कहीं चला गया, तो कहते हैं हमारा ड्राइवर कहाँ है, हमारा ड्राइवर कहाँ है। तो हम बोले तो मेरी तरह बोल रहे हैं कि ड्राइवर कहाँ है, हम सोचे इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइवर कहाँ है, बोला ड्राइवर कहाँ है। तो ये भाषा जो है आपसे मेल कर रही है, हो हृदय को छूने की कोशिश कर रही है। तो मैं इस भारतवर्ष के गुरु भूमि पर अपने परम पूज्य भिक्षु का सादर नमन करता हूं और चाहता हूं जोरदार तारियों से आपका सम्मान। अब हमारे बीच हमारे गार्जियन स्वरूप परम पूज्य धम्मगुरु लामालोप जंग जी, आप लोग पहले से जान रहे हैं, आपकी डांट फटकार दोनों हम सब को मिलती रहती है, इनके डांट इनके आशीर्वाद से हम प्रफुल्लित होते हैं, इनके डांट से हम संवरने और सजने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही सजते संवरते रहे तो सम्राट अशोक क्लब का जो सपना है, सम्राट अशोक का जो सपना था, क्योंकि अभी आप देखते हैं एक शब्द भारतवर्ष में एक वाक्य है जो अधूरा है। कहीं भी ट्रैक्टर के पीछे और ट्रक के पीछे आप देखते हैं कि मेरा भारत महान, क्या ये कंप्लीट है क्या? नहीं, मेरा भारत महान ये कंप्लीट वाक्य है। सहायक क्रिया के बगैर कोई वाक्य पूरा नहीं होता, लेकिन ये कितने साल से अधूरा वाक्य चल रहा है, तो आज इस वाक्य को पूरा कर ही देना चाहिए। इस वाक्य को पूरा कर ही देना चाहिए सहायक क्रिया लगा के, क्योंकि भारत वर्ष महान था या है या होगा, तो किसी भी व्यक्ति की शासन शैली दो तरह की होती है, दो तरह का शासन होता है, एक होता है दैहिक शासन और एक होता है वैज्ञानिक शासन। दैहिक शासन उसे कहते हैं उसका उत्तर नहीं आएगा।
इसलिए फार्मूला हमने एक्सेप्ट कर लिया अशोक का, कि अशोक जैसा राज्य बनाएंगे। तो अशोक जैसा राज्य को बनाने के लिए अशोक के बनाए फार्मूले पर भी चलना पड़ेगा। इसलिए जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान का उद्देश्य था कि हम एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। यही मकसद है भारत के संविधान का, एक लाइन में लोक कल्याणकारी राज्य। लेकिन जो संविधान बना था वेलफेयर स्टेट के लिए, आज सरकार काम कर रही है वेलफेयर रिलीजन के लिए, धर्म के लिए काम कर रही है, धर्म के नाम पर बगावत कर रही है, धर्म के नाम पर रिजल्ट चाह रही है। और जिस देश में धर्म के दबाव से, संख्या के दबाव से अदालतों के न्याय होने लगेंगे, उस देश में बहुत दिनों तक न्याय सुरक्षित नहीं रहेगा, न्याय सुरक्षित नहीं रहेगा। और जिस देश में आस्था के नाम पर, पब्लिक प्रेशर के नाम पर निर्णय बदलते हों, वह देश बहुत दिनों तक अखंड रहने वाला नहीं है। क्योंकि इस देश की जनता सब जानती है, इस देश का संविधान समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हुआ था, ऊंच नीच गैर बराबरी की को समाप्त करने के लिए हुआ था। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठ के हटता है तो उस कुर्सी को धोने वाले लोग आज भी मौजूद है इस देश में, उस कुर्सी को धोने वाले लोग मौजूद हैं। तो अगर यह देश बुद्ध का देश है, ये देश अशोक का देश है, ये देश इस संविधान का देश है, तो ऐसे कुर्सी धोने वालों को कुर्सी से धो देने की जरूरत है, कुर्सी से धो देने की जरूरत है। समय रहते कुर्सी नहीं धोई तो बात आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम जो जो तत्व है ये भारतवर्ष की, ये मर्यादा का तत्व है, और वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच है, ये सम्राट अशोक के शासन की जो शैली है उसका मूल तत्व है, मूल तत्व है। और वसुधैव कुटुंबकम के जनक और वसुधैव कुटुंबकम के संरक्षक सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक है। क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आज कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने ही अपने भाइयों को छूत बनाया, अछूत बनाया, नीच बनाया कि हम तुझे नहीं छुएंगे, तू नीच है, तेरी कुर्सी धोएंगे। तो जो अपने ही भाइयों को भी भाई मानने को तैयार नहीं, वो पूरे वसुधा को परिवार मानेगा। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और भारत का जो संविधान है वो इसी बात के लिए स्थापित हुआ है, इसी बात के लिए बनाया गया है। क्योंकि सम्राट अशोक की जो नीतियां हैं वो लोक कल्याणकारी हैं, और इससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता है, कोई शब्द नहीं हो सकता है। और लोक कल्याण करने के लिए सम्राट अशोक ने जो बजट था अपना, वो लोगों के बौद्धिक विकास के लिए लगाया। बौद्धिक विकास कैसे हो, इसके लिए शिलालेख लिखवाया। और आज से जान लीजिए कि दुनिया के सबसे पहला और लिखित लोक कल्याणकारी संविधान धरती पर पहले सबसे सम्राट अशोक ने लिखा था, जो आज भी पत्थरों के पन्नों पर लोहे की कलम से आज भी लिखे गए हैं, जिसकी भाषा थी पाली और लिपि का नाम था धम्म लिपि। इस लिपि में लिखा गया, उस लिपि का नाम था धम्म लिपि। लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं कौन सी लिपि है, तो बोलते हैं ये देवनागरी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि है। तो एक लड़के से मैंने पूछा, अभी एक हफ्ते की बात है, हम चंदा कलेक्शन कर रहे थे, तो बोला कि मैं हिंदी से मैं करता हूं, वाला जिस भाषा को लिखते पढ़ते हो कौन सी लिपि है, तो उसने कहा यह ब्रह्म लिपि है। तो ब्रह्म लिपि का पहले नाम क्या था, तो बोला देवनागरी लिपि नाम था। तो देवनागरी का इसका पहले नाम क्या था, बोला ये तो नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं इसे खूब मामला गड़बड़ शुरू हुआ। तो जो आज है वो ब्रह्म लिपि है, उसके पहले उसका नाम देवनागरी लिपि था,
और उसके पहले उसका नाम सिर्फ नागरी लिपि था। तो नागरी कैसे देव बन गई और देव कैसे ब्रह्म बन गए? तीन बरस प्लास्टिक सर्जरी हो जाए तो उस लिपि का क्या होगा? तो ये ब्रह्म लिपि इसलिए बनाई गई क्योंकि सम्राट अशोक के अपने शिलालेख किसमें लिखा गया? ब्रह्म लिपि में, कहने के लिए, ताकि जब उस लिपि को हम ब्रह्म लिपि कहेंगे तो कहा जाए लेख किसका है? तो ब्रह्मा जी का लेख है। तो जो अशोक के लेख थे वो ब्रह्मा का लेख बन गए और लोगों में प्रचलित हो गया, अरे ब्रह्मा का लेख कोई नाम मिटा रहा है, अरे जिसका कोई लेख ही नहीं है वो मिटेगा ना मिटेगा बात ही नहीं है, लेख तो सम्राट अशोक के हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अब ब्रह्म लेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। ब्रह्म लेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो, अपरधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। तो ये शैली हमारी अशोक की थी, कैसे कैसे उसको लुप्त करने की कोशिश हो रही है, और भारतीय संविधान उसी शासन शैली का दस्तावेज है ये। और सम्राट अशोक क्लब के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से इसको उन उच्च जगहों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अभी पल्स पोलियो भी नहीं पहुंच पाया है, वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये जनसैलाब देख करके ये सिद्ध कर दिया आप लोगों ने कि सम्राट अशोक क्लब का जब आह्वान होगा, जैसे होगा, लोक कल्याण हित के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े होंगे। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली आपकी तरफ से सबके लिए। तो ये दुनिया का सबसे, इसलिए जब हम अपने आप को हिंदू कहने की कोशिश करते हैं तो जिसके सामने कहते हैं उसको एक बात का भ्रम रहता है कि हिंदू कहां है, तो अहिर है कि कोरी है कि लोहार है कि समार है, क्या है? हमें एक भ्रम रहता है, हिंदू कहने से समस्या खत्म नहीं होना चाहिए। जो ही कहेंगे हिंदू तो बोला कौन जात का हुआ, ये हिंदू से कब नहीं चलने वाला, उसको जाति बताना पड़ता। यानी हिंदू कहने पर भी अहिर कोरी समार होने का भ्रम होता, और अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो सिया और सुन्नी होने का भ्रम हो जाता है कि सिया है कि सुन्नी है। लेकिन जो ही अपने आप को भारतीय कह देते हैं ये सारे के सारे भ्रम स्वयं ही मिट जाते हैं, स्वयं मिट जाते हैं। इसलिए सम्राट अशोक क्लब गांव गांव गली गली जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम हिंदू और मुसलमान नहीं, गर्व से कहो कि हम गर्व से कहो कि हम, ये संदेश देश में जाना चाहिए। क्योंकि इस शब्द के अलावा, इस वाक्य के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस देश से आतंकवाद को समाप्त कर सके। जड़ी है, लाख रोगों की एक दवाई, बाकी सब है हवा हवा है, बस एक दवाई, बस पोटेंसी ध्यान रखना कि कब कितना खाना, सब गड़बड़ा जाएगा अगर पोटेंसी गड़बड़ हो गई, पावर गड़बड़ हो गया, गर्म पानी को ठंडा से, ठंडा को गर्म से खा लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। हिंदू का प्रचलन समाज होगा, समाज की तस्वीर हिंदू सुनेगा, उसी में भारत होगा।
जिंदगी निकल जाएगी, बताई नहीं है, जिंदगी निकल जाएगी। तो शिलालेख होने पर तो अशोक की एक दुर्दशा है जिसका आधार कार्ड है। इस देश में दो ही लोगों का आधार कार्ड है, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का। बाकी लोगों की सरकार आधार कार्ड बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं है। कहां पैदा हुए, कहां मरे, क्या हुआ, कोई आधार कार्ड। अब जो आधार कार्ड बनाने की कोशिश हो रही है वो दूसरे के फुटप्रिंट पर, दूसरे के ठप्पा लगाकर हाथ लगेगा, मेरा फुटप्रिंट होगा, मेरा आधार कार्ड बन जाएगा दूसरे का। तो जहां दूसरे के, जहां हमारा दस्तावेज है, उस जगह को आज जबरदस्ती प्रेशर से आज कोर्ट से फैसला दिलवाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट कहां नहीं फैसला कर रहा है, कोर्ट फैसला नहीं चाह रहे हो लोग, कोर्ट हमारा फैसला कर दे मेरे पक्ष में। अगर मेरे पक्ष में नहीं करेगा तो हम संतुष्ट नहीं है, जा खेल में खेल दे, खेलिए बिगाड़। मैंने फैसला हमारे पक्ष में होगा तब संविधान ठीक है, अगर फैसला विपक्षी के पक्ष में होगा तब संविधान ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी संख्या भारी है। मेरी संख्या तो एक समय संख्या उनकी भी भारी थी जो कह रहे थे कि सूर्य घूमता है पृथ्वी, उनकी भी संख्या भारी थी। एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसकी संख्या भारी, तो सारी भीड़ धरी की धरी आ गई और विजय उसी की हुई जो सच था, जो सच था। सच तो यह है, प्रेशर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वहां कोई फुटप्रिंट है ही नहीं, आधार कार्ड बने कैसे, क्योंकि पद चिन्ह तो दूसरे के हैं, खुदाई में दस्तावेज तो दूसरे के मिल रहे हैं। अब मैं कैसे कह दूं कि भगवान बुद्ध की स्थली अयोध्या है, इसलिए प्रेशर के नाम पर प्रेशर दे दे करके आधार कार्ड बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये सब भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सम्राट अशोक की जो शैली थी उसके ये तत्व है, उसके क्लू है, इसके क्लू है, वो इतिहास है। और मैं नमन करता हूं अंग्रेजी इतिहासकारों का जिन्होंने ऐसे खोए हुए धरती से, खोए हुए इतिहास को जमीन से खोद के बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरे लिए तो भैया गुरु गोविंद दो खड़े काटे लाऊंगा, किसका लाऊंगा, अगर भगवान बुद्ध का मैं पैर छूंगा तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा उनका भी छूंगा जिन्होंने जमीन से खोद के बाहर निकाल दिया। क्योंकि अगर जमीन के खोद के बाहर ना निकालते तो भगवान बुद्ध महान थे, ये महानता का हमें एहसास भी और एहसास नहीं होता, और इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो शायद कोई जापान का बेटा आकर के भारत को समझाने की कोशिश न करता। जापान का अगर ये मंच न होता
इस सम्राट अशोक क्लब की मेहनत ना होती तो ये तारा सावा हमारे पूज्य भंते कहां आकर बोलते, कहां आकर बोलते आपके कागज घुस घुस के। तो अगर लाइन में ना हो तो पावर हाउस वो लोग हैं, कनेक्शन जोड़ो पावर दे देंगे। इसलिए ये जो नटिया महोत्सव है ये कोई भीड़ भाड़ का मेला नहीं है, धक्का मुक्की वाला। ये सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के विचारधाराओं का ये मेला है। और इसका सबसे बड़ा गवाह है कि आज 23 साल हो गए इस मेला को। मैं नमन करता हूं अपने परम पूज्य सुभाष सिंह मौर्य जी को, इन्होंने छोटा सा बीज लगाया गोरिया गांव से और इतना बड़ा ये वट वृक्ष हो गया कि हजारों साथी कंधा लगाया है फिर भी थमन नहीं रहा, फिर भी समझ नहीं रहा। तो ये जो नटिया महोत्सव है ये सबसे बड़ा प्रूफ इसका है, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं। आपने कभी मन से सुना है कृपया शांति बनाए, सुना है शांति बनाए रहे? किसको शांति कहा जाता है? जो अशांत लोग होते हैं, जो अशांत है। एक बार बोध गया में घटना घट गई थी, भिक्षुओं को किसी ने बम से उड़ा दिया था, सुने होंगे आप लोग। तो बहुत सारे लोग बोले हम लोगों से कि डॉक्टर साहब आप लोग कैसे बुद्धिस्ट हो यार, इतना बुद्धिस्टों पर बवाल लगा, तुम लोग कोई बवाल नहीं कर रहे हो, कोई आगजनी नहीं कर रहे हो, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हो, कैसे बुद्धिस्ट हो? तो बोला हमने कि हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, आग लगाए नहीं रहे हैं, आतंक नहीं फैला रहे हैं, इसलिए तो हम बुद्धिस्ट हैं, इसीलिए बुद्धिस्ट है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। और आदमी की पहचान कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक साधु थे, नदी के किनारे बैठे थे, बाढ़ आई थी तो एक बिच्छू जो था वो बह रहा था पानी में। साधु उठे और उसको अपने हाथ से ऐसे उठा लिया हाथ में और किनारे लेके आ गए और बिच्छू मार मारे जा रहा, टन 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 वो डंक मारे जा रहा। एक आदमी दूर से देख रहा है, जो है तो बोला साधु जी ये बिच्छू आपको इतना मार रहा है फिर भी आप किसको बाहर निकाल रहे, फेंकिए जल्दी। तो साधु ने बड़े अच्छे वाक्य बोले, उन्होंने कहा कि बिच्छू की पहचान है जो मारेगा और मेरी पहचान है कि इसे बचाऊंगा, वो अपने पहचान में लगा है, मैं अपने पहचान में लगा हूं, देखता हूं जीतता कौन है। तो जब निकाल दिया बाहर तो बोला जीता मैं हूं, कत्लो मारता रह गया लेकिन बाहर मैंने निकाल दिया, जीत मेरी है। तो अगर किसी की पहचान हिंसा है तो हमारी पहचान अहिंसा है। हिंसा लड़ाई लड़ी जाती है तो तलवार से और अहिंसा की लड़ाई लड़ी जाती है बौद्धिक ज्ञान से। हिंसा लड़ी जाती है तलवार से और अहिंसा की लड़ी बौद्धिक ज्ञान से। और भगवान बुद्ध ने तलवार नहीं बौद्धिक ज्ञान का दुनिया को दिया था। इसलिए जापान एक देश है, बैठे हैं भंते जी, जापान एक ऐसा अकेला देश है जो कोई घातक हथियार नहीं बनाता, कोई घातक हथियार नहीं बनाता। और वहां का जो संविधान लिखा है जापान का, जैसे हमारा संविधान है तो कैसे शुरू होता है, हम भारत के लोग, लेकिन जब जापान का संविधान शुरू होता है लिखा हुआ तो पहला पेज खोलेंगे तो जो पहली लाइन लिखी हुई है वो लिखी है बुद्धं शरणं गच्छामि, ये लिखा है जापान। जवाब बैठे इसलिए मैं उनके सामने बोल रहा हूं, वो हिंदी समझ रहे इसलिए बोल रहा हूं। तो इस बार आपने दिखाइए, अगली बार पूज्य भंते शिवली जी आए थे दिल्ली में हम लोग कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक ना होते तो शायद हम श्रीलंका के लोग किसी जंगल झाड़ में आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहे होते। इसलिए श्रीलंका में, भारत में चाहे कोई राष्ट्रपिता हो लेकिन श्रीलंका में सम्राट अशोक को राष्ट्रपिता माना जाता है। कहां बैठे हो दुनिया में? दुनिया है मेरे पीछे, हम है गोबर गणेश के पीछे, क्या तमाशा है। हो संभालो, अब दिन गया जब गधा जिलेबी खाता था। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने बजट पर खर्च किया, जो धन था उनका उन्होंने समाज के बौद्धिक विकास में लगाया। और आज की सरकार सरकारी बजट को पानी में बहा रही है, इलाहाबाद पानी में बहा रही है,
रिजल्ट क्या हुआ आप देखिएगा, और जिसने बौद्धिक ज्ञान फैलाया पूरे दुनिया में, आज तक उसे हम भुला नहीं पाए, आज तक हम भुला नहीं पाए। इसलिए समझिएगा, क्योंकि सम्राट अशोक इस देश के निधि हैं, निधि है इस देश का, ये जनरल नॉलेज की सामग्री नहीं है। क्या इसकी परीक्षा देनी है, तैयारी करना है? अशोक किससे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन रख लो, परीक्षा में पास हो जाओ। सम्राट अशोक सिर्फ सामान्य ज्ञान की सामग्री नहीं, भारत की समस्याओं का समाधान है। लेकिन अब तक हम लोगों ने इनको सामान्य ज्ञान की सामग्री समझ कर पढ़ा है, भारत की समस्याओं का समाधान समझ कर कभी नहीं पढ़ा। सम्राट अशोक उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, और जितने नौजवान लगे हुए इस महान कार्य में, जिसको जितना समय होता है देता है, मैं सारे नौजवानों का अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि नौजवान कहीं भी जाए आपके पास सहयोग के लिए, तो आप दिल खोल के सहयोग करिए, दिल खोल के सहयोग करिए। क्योंकि समय रहते बात समझ में नहीं आई तो जगदेव बाबू बड़े महान थे ये कहने से काम चलने वाला नहीं है। आज 2 फरवरी का दिन है, और उस अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी का सच सच नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार ताली आप लोग करते हो। और एक बात और कह दूंगा, क्योंकि उनका जन्मदिन है, बड़ा औचित्य है ये। उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, तो जिनका 10 था उनको तो मिल गया, जिनका 10 था उनको मिल गया, अब 90 को दे दो काम खत्म करो लफड़ाई। जिनका 10 था उनको 10 दे दिया, अब बाकी 90 को दे दो लफड़ा खत्म, बाकी 90 को दे दो टोटल काम खत्म, न रहेगी बांस न बजेगी बांसवा। चलो जब बात आप एक पक्ष की हो गई तो हमने विरोध नहीं किया, जब बात दूसरे पक्ष की होगी तो देखना कितना विरोध होता है। तो विरोध से समझ लेना कि किसकी नियत हमारे पीछे अच्छी है और किस नियत हमारे पीछे अच्छी नहीं है। क्योंकि जब तक मीटर नहीं लगाओगे पता कैसे चलेगा, जब तक मीटर नहीं लगाओगे। अब मैं बोल दूं कि मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है, 2 लीटर कपड़ा है, सही बोल रहा हूं कि गलत? कैसे जान लिया? मेरा बैग चेक किया, मेरा बैग चेक किया कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, आपने पैमाना पकड़ लिया कि कपड़ा जो है मीटर में नहीं, मीटर में नापा जाता है। लेकिन आप एक मिनट सोचो, जिसको मीटर और मीटर का पता ही ना हो, जो लीटर जानता है ना मीटर जानता है, उसको मैं बोलूंगा कि मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है, तो बोलेगा हाँ हो सकता होगा, क्योंकि ये तो वो पकड़े हैं जिनको पैमाना पता है। इसलिए भारतवर्ष में 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास लीटर और मीटर का ज्ञान नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि गोबर में गणेश है, क्योंकि सब लीटर मीटर वाले हैं। और जिसको मीटर लीटर का ज्ञान हो गया वो बोलेगा गोबर तो गोबर है और कुछ नहीं है। ये है बौद्धिक विकास। और संविधान का उद्देश्य क्या है? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आप देखो सरकारें चल रही है, मीडिया रोज काम कर रही है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे काम हो रहा है? ये कौन देखेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हमारा राजतंत्र काम कर रहा है कि नहीं? वैज्ञानिक दृष्टि पर हमारी नौकरशाही काम कर रही है कि नहीं? वैज्ञानिक हमारी मीडिया काम करे कि नहीं? अगर नहीं कर रही है तो या तो कुर्सी धोवाओ या तो कुर्सी धो, दो ही उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए आज ये महोत्सव है लठिया का, हमारी मां बहनें आई हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनों के सम्मान में एक बार भाइयों की तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं रास्ते में बैठा था वो कार्यालय में, तो सैकड़ों लोगों ने फोन किया कि डॉक्टर साहब हमारी गाड़ी का पास मिल जाएगा? पास? हम बोले कहाँ है? बोला 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हम बोले 80 किलोमीटर तो हमने 2 किलोमीटर लगा के चाहते हो? 80 किलोमीटर पैदल जाते थे गर्मी में, 2 किलोमीटर में आपके पास शॉर्टकट चाहते हो? 80 किलोमीटर बरसात में भीगते हुए पैदल चलते हुए, पेड़ पैर इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो जाता था, तो तब नहीं घबराए, अब 2 किलोमीटर पास चाहिए?
अगर 2 करोड़ में पास मांगोगे तो कोई तुम्हारे बगल से पास होकर चला जाएगा, तुम वहीं खड़े के खड़े रह जाओगे। नो पास, कोई पास नहीं, ध्यान रहे, क्योंकि ये पैदल ये संघर्ष आपको तैयार करेगा उस मुहिम के लिए। ये संघर्ष, ये पैदल चलना है, तैयार हो रहे मुहिम के लिए। जो 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए पास चाहिए, वो आदमी मेरे काम का नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सम्राट अशोक क्लब, हमारे बीच मनोज जी बैठे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों के प्रयास से, हमारे बिहार के प्रभारी दयानंद मौर्य जी बैठे हैं जो योजनाकार है सम्राट अशोक क्लब के, हमारे पूर्वांचल प्रभारी डॉक्टर रविंद्र जी बैठे हैं जिनका कुशल निर्देशन इस सम्राट अशोक क्लब को प्राप्त होता है, जो आप महसूस कर रहे हैं उनको मंचों पर बोलने से। आप लोगों के प्रयास से सम्राट अशोक का जो जन्मदिन है वो बिहार के राष्ट्रीय अवकाश में घोषित हो गया। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली इस बातों के लिए। और कोई ये मत सोचिएगा कि जो मंच पर बैठे हैं वो सम्मानित हैं और मैं नीचे बैठा हूं तो अपमानित हैं, ये महसूस मत करना। क्योंकि जो सीमा पर लड़ता है, जब तलवार चलेगी ना तो गर्दन भी उसी की जाएगी। तो गले में माला सुशोभित तो होती है, लेकिन तलवार कोई पैर पे नहीं चलाता। तलवार भी चलती है तो गर्दन पे। तो जिनको माला पहनने का शौक रखना है, उसको तलवार छेड़ने की भी शौक होनी चाहिए। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही चाहूंगा कि मैंने बहुत कह लिया अपने को हिंदू और मुसलमान, एक शपथ होना चाहिए। हमने बहुत कह लिया अपने को हिंदू और मुसलमान, अब तो कहो कि हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान, सारे सवाल खत्म हो गए, सारी समस्या खत्म हो गई। तो इतना परम पवित्र जो सूत्र और संविधान इस देश में है, जो आपको पावर देता है। मैं अपने लोगों से पूछता हूं कि भाई तेरा जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले की बातें बड़ा अच्छा चल रहा है। ऊपर वाला उस दिन भी था जब रात खाते थे, ऊपर वाला उस दिन भी था जब अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकते थे, ऊपर वाला उस दिन भी था जब बढ़िया शर्ट नहीं पहन सकते थे, ऊपर वाला उस दिन था जब पैंट कैसे बिलिंग नहीं कर सकते थे। ये सारे के सारे अधिकार ऊपर वाले की बात नहीं, भारत के संविधान की बात है। इसलिए आप अशोक का जो तत्व है वाक संयम कितना महान तत्व है, समझने की कोशिश करिए। वाक संयम कितनी बड़ी बात, शब्द तुम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ, एक शब्द औसत ही बने, एक शब्द करेगा, एक ही शब्द औसत का काम करती है और वही शब्द से घाव हो जाते। एक ऐसा शब्द है जिससे किसी को बोल दिया तो घाव सदियों तक नहीं भरते हैं। और एक व्यक्ति आता है, एक ऐसा शब्द बोल देता है, सदियों के घाव हाँ भर जाते। यह एक संयम और वाक संयम बनाने में Oh, my God.
जाएंगे। चोरी नहीं करना है, चोरी न करे शिक्षा ग्रहण करना है। अब चोरी तो करता ही है तो किसी भी धर्म का क्या फर्क पड़ता है? चोरी करता ही है तो हिंदू है क्या मुसलमान है क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तुमने चोरी छोड़ दी तो हिंदू है मुसलमान है क्या फर्क पड़ता है? चोरी जब छोड़ दी तो हिंदू है मुसलमान है क्या फर्क पड़ता है? अगर तू झूठ बोलता है